हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके भाग्य में कोई सरकारी नौकरी है कि नहीं। इसके लिए आपको अपने हाथ की हस्तरेखा का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ के इस स्थान पे बुध का स्थान होता है, यहाँ पे सूर्य का स्थान होता है, यहाँ पे शनि का स्थान होता है, इस जगह पे हमारे गुरु का स्थान होता है बृहस्पति, और यहाँ पे मंगल मंगल का स्थान होता है, यहाँ पे होता है, इस जगह पे हमारे शुक्र का होता है, और यहाँ पे चंद्रमा का होता है। तो सरकारी नौकरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सूर्य और गुरु, ये दोनों जो हैं, अगर आपका साथ देते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी, अगर ये आपकी यहाँ से जो निकलने वाली आपकी भाग्य रेखा है, अगर वो सूर्य की तरफ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सूर्य का स्थान है और ये गुरु का स्थान है, ये दोनों जो है सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। अगर आपकी ये जो आपकी भाग्य रेखा है, सीधे यहाँ से लकीर सीधे आपके अगर सूर्य तक जाती है, सूर्य के स्थान तक जाती है, तो आपके सरकारी नौकरी का योग बहुत अच्छा है। अगर आपकी बृहस्पति वाले स्थान पे आपकी रेखाएं दो तीन ऐसी हैं, तो वो शुभ शुभ लक्षण है कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। एक और रेखा, अगर गुरु से सूर्य तक आपका कोई रेखा जाती है, गुरु से लेके बृहस्पति से लेके सूर्य तक का कोई रेखा जाती है, तो आपका निश्चित तौर पे 90% चांसेस है कि आपको सरकारी नौकरी मिले। अगर आपका जो भाग्य रेखा है जो नीचे से आ रही है, यहाँ से इस जगह से कोई रेखा आपके बृहस्पति तक जाती है, तो भी आपको जो है सरकारी नौकरी लगने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये सारे वो सारे के सारे योग हैं जो कि एक बंदे को सरकारी नौकरी के लिए लगने के सारे चांसेस बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये सूर्य का स्थान है और जो ये गुरु बृहस्पति का स्थान है, ये दोनों योग ऐसे हैं जो कि आपको सरकारी नौकरी के बताते हैं। जो आपकी ये भाग्य रेखा है, अगर ये सीधे सूर्य तक जाती है या बृहस्पति से सूर्य तक की कोई रेखा आती है, या आपके बृहस्पति वाले स्थान पे कोई ऐसी रेखाएं हैं, इस तरह की रेखाएं हैं, तो ये सारे के सारे दर्शाते हैं कि आपको जो है सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है। आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी रखनी है कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है कि नहीं। धन्यवाद दोस्तों।